यूएन में भारत को बड़ी सफलता मिली। 9 अप्रैल को हुए इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के चुनावों में भारत की जगजीत पवाडिया ने जीत हासिल की। उन्हें यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा आयोजित चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए। बड़ी बात यह है कि भारत को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 53 वोटिंग सदस्यों में से 41 वोट मिले हैं, जो सभी विजेता सदस्य देशों में सबसे अधिक हैं। 41 वोटों के साथ पवाडिया ने इस चुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को सिर्फ 30 वोट मिले। भारत की इस जीत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, आज भारत की उम्मीदवार जगजीत पवाडिया को न्यूयॉर्क में हुए चुनावों में 2025 से 30 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया। भारत ने सभी निर्वाचित सदस्य देशों के बीच सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं। इस दौरान विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और विदेश मंत्रालय की टीम की सराहना की और कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है। जगजीत पवाडिया ने 2019 में भी जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी चीन के हाओ वेई को हराकर रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार भी उनकी जीत से चीन को कड़ा झटका लगा है। हालांकि जगजीत पवाडिया की ये जीत इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि वो 2015 से ही अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की सदस्य है। उन्हें मई 2019 में 2020 से 2025 तक के 5 साल के कार्यकाल के लिए परिषद द्वारा फिर से चुना गया था। उन्होंने 2021-22 के लिए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। वैसे आपको बता दें, जगजीत पवाडिया भारत सरकार में 35 वर्षों तक भारतीय राजस्व सेवा में कई वरिष्ठ पदों पर रह चुकी हैं, जिनमें भारत के नारकोटिक्स आयोग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स कमिश्नर, लीगल अफेयर्स चीफ विजिलेंस ऑफिसर, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन शामिल है। वहीं अगर INCB की बात करें तो 1968 में ये स्थापित हुआ था। ये एक इंडिपेंडेंट और क्वासी जुडिशियल मॉनिटरिंग बॉडी है जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन में इम्प्लीमेंटेशन और निगरानी का काम करती है। इसमें 13 सदस्य होते हैं जो आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं और जो सरकारी प्रतिनिधियों के रूप में नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सेवा करते हैं। बड़ी बात यह है कि जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। भारत के लिए ये एक बड़ी सफलता है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।